तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो यार अपने मेगलाडॉन का नामकरण कर देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड में पता नहीं लिटरली कैसे भूल गया, बट इट्स ओके। और यार इसका नाम रखने वाला हूँ मैं यार ब्लडी परी, क्योंकि यार मेरे को दो नाम सजेस्टेड थे तो उनका यार मैंने मिक्सचर यहाँ पे डाल दिया, तो काफ़ी बढ़िया नाम लग रहा है ये भी। और अगर आपको यार कोई और आइडिया है तो आप वो भी लिख सकते हो। और गाइज आप बैकग्राउंड में यार एक म्यूजिक मतलब आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैं बताता हूँ ये क्या था। तो यार ये एक्चुअली मेरे को एक रिवॉर्ड मिला था हंट मैमथ करके, तो हंट जिसको नहीं पता यार मैमथ एलिफेंट्स को बोलते हैं, तो उनको मार के यार ये रिवॉर्ड मेरे को मिला था, वही साउंड आ रहा है। तो आप ये देखो ये सामने, और ये जब भी यार सूंड ऊपर करता है तो आवाज़ भी निकालता है, तो बहुत बढ़िया। और मेरे पास यार ऐसा डोडो का भी है, तो उसको भी मैं लगा दूंगा बाद में। और आप देख सकते हो यार हमारा ट्रॉफी रूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बाकी पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं निकालते, सिर्फ यही निकालता है, तो देख ही सकते हैं यार कितना कूल लगता है ये। और गाइज अब करते हैं यार वीडियो स्टार्ट। तो हे गाइज इट्स बीजो एंड वी आर बैक। तो गाइज यार आज के इस एपिसोड में हम लोग जाने वाले यार टाइम करने डंकाइलिश को, तो मेरे को यार ढंग से उसका नाम पक्का नहीं पता, बट हम उसको टेम करने वाले हैं। तो यार मैं पहले तो बता देता हूँ मैं क्या क्या लेके जाने वाला हूँ। तो यार मैं लेके जा रहा हूँ सूदिंग बाम और ये ट्रैंक एरो वगैरह, ट्रैंक एरो ज़्यादा तो नहीं पर 25 लेके जा रहा हूँ 35। तो चलते हैं यार जल्दी से। और मैं जाने वाला हूँ अपने डॉल्बी पेर, क्योंकि यार वो थोड़े अंडर वाटर होते हैं मतलब डीप वाटर, तो उसकी वजह से यार मैं मेगलाडॉन को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस पे जाऊँगा। और मैंने अपना सुबह सूट वगैरह सब पहन लिया है। The next day. Okay guys, तो यार यहाँ पे एक चीज मेरे को दिखी है, ये देखो बैसिलो। तो यार हम इसको भी टेम करेंगे, फिलहाल तो ये लेवल 1 का ही है, पर हम हाई लेवल का टेम करेंगे। तो चलते यार ढूंढते हैं बाकी उसको भी। तो गाइज यार थोड़ी सी देर बाद यार मेरे को यहाँ पे डंकाइलिश दिख गया है, और एक नहीं यार दो दो दिख गए है। एक तो ये रहा जिसका लेवल है यार लेवल आई थिंक 19। हाँ तो यार इसका लेवल 19 है, इसी को हम टेम करने वाले हैं, क्योंकि यार दूसरे का आई थिंक लो लेवल है। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा कितना है, देख के आता हूँ। ओके तो यार इसका लेवल है 7, बट हम इसको टेम नहीं करेंगे, तो हम उसी को टेम करेंगे। और एक और बात गाइस यार मैं बताना भूल गया कि ये थोड़े डरपोक टाइप के जानवर होते हैं। अबे साले, तो यार अभी मैं इनको मार देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ पूरा ढंग से। मीनवाइल ओके, तो यार हमने सारे रास्ते के कांटे हटा दिए, और ये रहा यार वो डंकाइलिश। तो अब मैं मार के बताऊँगा यार इसको, और ये देखना कैसे भागता है। और वाह बहुत बढ़िया, तो हम इसके अंदर घुस गए और ये कहाँ गया। ओके तो यार मैंने इसको मारा, तो अब ये भागना शुरू कर दिया इसने। तो यार जल्दी से मैं नॉक करता हूँ इसको, और फिर देखते हैं जल्दी से क्या होता है। ओके तो यार गाइज इसकी पानी में यार हेल्थ अपने आप बढ़ जाती है, और मेरे पास यार एरो भी सिर्फ 2 एरो बचे हैं, और इसका पता नहीं नॉक क्यों नहीं हो रहा। एक तो यार पानी में बहुत ज़्यादा शॉट्स मिस होते हैं, तो आई थिंक मेरे को और ज़्यादा लाने पड़ेंगे, और जी हाँ मेरे को और लाने पड़ेंगे, तो मैं लेके आता हूँ यार। 2000 years later. ओके तो यार मैं वापस आ गया हूँ, और कसम से यार बहुत ज़्यादा दूर आके मेरे को ये मिला, और वो पुराना वाला पता नहीं कहाँ पे जाके डिस्पॉन हो गया, बट कोई बात नहीं। तो इस बार यार मैं भर भर के ट्रैंक एरो लेके आया हूँ, और ये देखो यार मेरे को कितना सारा ये फ़िश मीट मिला। तो मेरे को यार एक बड़ी वाली फ़िश मिली थी, उससे मेरे को ये मिला। तो यार बाकी इसको नॉक करते हैं, और देखते फिर कितनी टाइम लगाता ये नॉक होने को। ओके गाइज तो यार ये फाइनली नॉक हो गया है, और कसम से यार बहुत मुश्किल से इसको नॉक करा मैंने। एक्चुअल में यार ये ट्रैप हो गया था इस दीवार पे, इसलिए मैं इसको नॉक कर पाया। बाकी मैं देख लेता हूँ पहले कोई खतरा तो नहीं मेरे को आसपास, वरना यार वो एंजलर फिश आके मेरे को मार देगी। तो कोई भी नहीं है, तो जल्दी से यार मैं इसको सूदिंग बाम वगैरह दे देता हूँ। और आई थिंक यार इसका ट्रॉपर लेवल थोड़ा धीरे गिरता है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। और यार मैं फ़िश मीट का भी ट्रायल ले लेता हूँ, तो मैं 2 फ़िश मीट लूँगा और बाकी प्राइम मीट। ओके अब इसके अंदर डाल देता हूँ, तो मैंने यार फ़िश मीट डाल दिया, आप देखते हैं किससे जल्दी टेम होता है। तो एक्चुअली मैं यार ये फ़िश मीट से जल्दी टेम होगा जितना मुझे लगता है, तो करते हैं यार वेट थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं। ओके गाइज तो यार ये होने ही वाला है, बस थोड़ा सा रह गया। ओके और यार ये हो गया, और मैंने अभी देखा यार इसका लेवल सिर्फ 10 था, बट कोई बात नहीं यार बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये मेरे को मिला है। और यस जैसा मैं बोल रहा था इसने फ़िश मीट ही खाया है। ओके
तो यार मैं इसको अपने बेस पर रिक्वेस्ट करता हूँ और चलता हूँ अपने बेस पर। हे गाइस, मैं आ गया हूँ यार अपने बेस पर, और यहाँ पे यार पता नहीं क्यों इतनी देर से बारिश हो जा रही है, पर चलो कोई बात नहीं, बिना बादल के भी हो रही है। और ये रहा यार मेरे सामने मेरा डंकाइलिश, तो इसको यार मैं सैडल सुडल बनाता हूँ जल्दी से। तो यार इसका सैडल खुल जाता है लेवल 44 पे, जिसके लिए यार 21 ग्राम पॉइंट चाहिए। ओके, अनलॉक कर लिया। तो यार ये बनता है स्मृति में, और इसको बनाने के लिए ये सब सामान चाहिए, तो कर लेता हूँ इसको जल्दी से मैं क्राफ्ट। ओके गाइस, तो यार मैंने इसको पहना दिया यार सैडल, और पता नहीं क्यों इसके ऊपर सैडल दिखाई नहीं देती, बट यार मैंने एक्चुअल में इसको पहना दिया है, और पता नहीं कहाँ पे वो दिख बन रही होगी। तो चलो इस पे मैं बैठ के दिखाता हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं यार ऊपर बैठने का आइकन आ रहा है। उससे पहले मैं इसको फूड दे देता हूँ यार इसकी राइड लेने से पहले। तो यार मैंने इसका टेस्ट थोड़ा सा करा, तो इसकी यार मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा घटिया है, तो मेरे को उस पर यार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा मतलब कम है इसका, तो मेरे को देखना पड़ेगा। और ये पता नहीं क्यों चलता नहीं है जल्दी से, और इसका साइज़ यार बहुत ज़्यादा बड़ा है यार मेगलाडॉन वगैरह से, तो इस पर भी यार आदमी लेट के ही चलता है पता नहीं क्यों। तो चलो कोई बात नहीं। ओके, तो यस सामने मेगलाडॉन इधर को ही आ रही है, तो इसको यार मार के हम ट्राई करेंगे इसका। ओके, मार दिया, और यार हमारा लेवल भी अप हो चुका है, तो बहुत बढ़िया। और यार ये स्पेशली होता है ऑयल्स के लिए, तो मैं ऑयल इकट्ठा करके आपको बता देता हूँ। और गाइज यार जिसको नहीं पता, तो ऑयल कुछ इस तरीके का दिखता है, और यार ये पानी में बहुत ज़्यादा होते, तो पानी में बहुत ज़्यादा आप ऑयल फार्म कर सकते हैं। और लेट मी ट्राई कि ये पत्थर पे भी काम करता हो, तो इस पत्थर को यार तोड़ के देखते हैं। ओके, तो यार ये पत्थर वगैरह को नहीं तोड़ता, बहुत अजीब बात है। बट गाइज आप इसको यार ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो गाइज यार वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।